आप में से काफी सारे लोग दुखी तो होंगे, काफी सारे क्या मतलब मेरे चैनल पे तो जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम लोग दुखी होंगे, क्योंकि उनको इंतजार था एआरटीओ की वैकेंसी का, और उनको इंतजार ये सपने से नहीं आया था। ये वैकेंसी पेंडिंग है लास्ट 5 ईयर, 5 साल हो गए, मतलब कहें तो एक पूरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाती है, पर इस पंचवर्षीय योजना में एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई। और आपको भी सपना तो आया नहीं था कि ये वैकेंसी आने वाली है और आप अपना बाकी के काम धंधा छोड़ के लग गए। जीपीएससी ने ही 2018 में जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था, उसके बाद 2019-20 वाले में जो कैलेंडर था उसमें जीपीएससी ने दिखाया कि 4 वैकेंसी है, नहीं आई, इसी तरीके से कैलेंडर में था, वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद एएमबीआई और आरटीओ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई, एमबीआई की आ गई, तो ये वाला जो था थोड़ा सा धुल गया कि चलो यार वो नहीं आई, पर बाकी 2 वैकेंसी आ गई, नंबर भी ठीक ठाक था, लोगों मतलब उसकी तैयारी में लग गए। फिर कोविड आ गया, कोविड ने बवाल किया 2 सालों तक, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम हुआ, ख़त्म हुआ, फिर नए सिरे से जब कैलेंडर आया तो फिर से ये वैकेंसी 4 से बढ़ के 7 हो गई। फिर से उम्मीद हुआ कि भाई इतने टाइम से पेंडिंग है तो इस बार तो आ ही जाएगी, पर इस बार भी ये सपना पूरा नहीं हुआ। अब कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, कई सारे लोगों का तो मैसेज बड़ा पेनफुल होता है कि किसी तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, और स्पेशली जो बच्चे ऑटोमोबाइल के, आप कहोगे कि और बहुत सारे तो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी क्यों नहीं कर लेते, पर जो बच्चे टेक्निकल के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं और टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं होता है। मैकेनिकल के पास तो चलो एक आध बुलाए भट के कहीं से ऑप्शन आ भी जाता है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, पर ऑटोमोबाइल के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं होता है कि वो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, अगर टेक्निकल सर्विसेज में देखें तो किसी किसी बच्चे का तो बड़ा पेनफुल मैसेज होता है। मैं वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता, पर उनका पर्सनल मैसेज होता है, कई सारी पर्सनल बातें उसमें लिखी होती हैं, अब दिखा नहीं सकता, पर बहुत पेनफुल होता है बहुत सारे बच्चों का। अब इसमें जीपीएससी की गलती है, सरकार की गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, वो तो हम लोग नहीं कह सकते डिले क्यों हुआ, पर एटलीस्ट जीपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या एटलीस्ट ये मैकेनिज्म तो ज़रूर डेवलप करना चाहिए जीपीएससी को, या इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई वैकेंसी उनके कैलेंडर में एडवर्टाइज है और वो अपने टाइम पे एडवर्टीजमेंट में नहीं आ रहा, जैसे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जीपीएससी ने कि एक कैलेंडर निकालते हैं, प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं, तो एक जो लूप होल्स है इसमें कि भाई कोई वैकेंसी अगर नहीं आ रही तो पूरा ब्लैंक हो जाता है मैटर, वैकेंसी अब दोबारा आएगी नहीं आएगी, डिले हुई है, कैंसिल हुई है, उसमें आगे फर्दर क्या है, इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं रहता है। तो एटलीस्ट अगर इतना क्लेरिफिकेशन जीपीएससी देती कि भाई ये वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हुई है, डिपार्टमेंट से डिले है, कैंसिल हो गई है, अब नहीं आएगी, तो जो कैंडिडेट है एटलीस्ट वो प्लान कर पाते कि भाई अब क्या करना है उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग का सपना होता है तो वो जॉब अब छोड़ के, जॉब क्विट करके भी शुरू हो जाते हैं, तो अब उनके सामने मतलब एक अंधेरा आ जाता है कि अब क्या करें फर्दर। अब ये वैकेंसी डिले क्यों हुई है इसका तो मुझे कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि डिले हुई है या कैंसिल भी हुई है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये फर्दर एडवर्टाइज होगी नहीं होगी। हाँ, वैकेंसी आएगी जरूर, पर अभी आएगी, इसी कैलेंडर ईयर में आएगी, अब इस पे तो बिल्कुल बादल आ गए हैं, कह नहीं सकते कि आएगी कि नहीं आएगी। अब मुझे ऐसा लगता था इस बार श्योरिटी इस वजह से थी कि कई सारे चीज़ें चल रही थी जीपीएससी में, जैसे कई काफ़ी सारे बच्चों ने जीपीएससी में जाके एप्लीकेशन दिया था कि इसका जो परसेंटेज है उसको कम करना चाहिए, मुझे पता नहीं कि इसको पब्लिकली दिखाना लीगल है या इलीगल है, पर मेरा इंटेंशन कुछ इलीगल करने जैसा नहीं है। आप में से किसी बच्चे के पास ये आया था, अब उन्होंने आरटीआई से मंगाया था या कुछ पूछा था, कैसे आया था मुझे याद नहीं है पूरा सीन, काफ़ी टाइम पहले की बात है। ये देखो मार्च का लेटर है, मार्च में एक जीपीएससी के द्वारा लेटर जाता है डिपार्टमेंट में, आरटीओ डिपार्टमेंट में, जहाँ पे इसका जो परसेंटेज है, जो पहले का आरआर है, उसको कम करने की बात की। मतलब पहले के आरआर में जो परसेंटेज है 65 की जो क्राइटेरिया थी, उस क्राइटेरिया को जीपीएससी रिलैक्स करने की बात करती है। अब ये लेटर गया है, ये डिस्कशन हुए हैं, तो ये सब देख के ऐसा लगता था ना यार कि मतलब वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये लेटर भेजा गया था। अब क्या हुआ इन बिटवीन, डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया इस पे, या फिर इसका जो रिक्रूटमेंट रूल है वो नहीं बन पाया, मतलब कहाँ से प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हुई, जीपीएससी से हुई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से हुई, क्योंकि डिपार्टमेंट पर्सनल इन्वॉल्व होता है, और एक बार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में फाइल जाती है कोई सी, तो उनके पास तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट की चीज़ें चल रही होती हैं, अब वो अपने टाइम के हिसाब से, उसके हिसाब से काम करते हैं। हालांकि
जीपीएससी भी वर्कलोड में है कई सारे। अब ये ऐसा नहीं कि केवल एआरटीओ के साथ हुआ है, और भी कई सारे वैकेंसी कैलेंडर में है जो एडवर्टाइज नहीं हुई है, कई सारी वैकेंसी और ज्यादा इवन 127 की स्ट्रेंथ है, मतलब ये 127 वैकेंसी जो आई हैं डेप्यूटी सेक्शन इंजीनियर की, आप ये देखो ये कैलेंडर में नहीं थी पर आई हैं, उसमें से 8 वैकेंसी आई थिंक सो जीपीएससी के पास भी, मतलब जीपीएससी के पास भी मैन पावर की कमी है। तो अब ये जीपीएससी के एंड से डिले हो रहा है, डिपार्टमेंट के एंड से डिले हो रहा है, या फिर जो रिक्रूटमेंट रूल बनने हैं नए बनने हैं ये भी श्योरिटी नहीं है, पर वो लेटर मैंने आपको दिखाया तो हो सकता है ऐसा रिकमेंडेशन गया हो। अभी एक आपका डिपार्टमेंटल का आया भी था, ऑफिशियल गजट आई थी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी चेंजेस थे, अब ये चेंजेस हो नहीं पाए हैं क्योंकि पहले से रूल बने हुए हैं। ये कंस्ट्रेन है कि जो टोटल वैकेंसी होगी उसका रेशियो डिवाइडेड है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना होगा, प्रमोशन कितना होगा, तो प्रमोशन वाला प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, उसका जो रूल था वो मैंने आपको शेयर भी किया था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इसका अंडर प्रोसेस था, जीपीएससी के एंड से इनिशिएट किया गया था, अब डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर डीओपीटी में मैटर है कहाँ है ये अब एग्जैक्टली कह नहीं सकते, और इस कैलेंडर में ईयर में आएगी नहीं आएगी ये भी नहीं कह सकते, पर इस बात की श्योरिटी तो है कि वैकेंसी आएगी। अगर डिले होती है तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ सकती है, मतलब 7 के बदले 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, क्योंकि जितना डिले होगा चांसेज होंगे वैकेंसी इंक्रीज हो, पर कब आएगा ये इंतजार कितना लंबा होगा ये तो नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, किसी को नहीं पता होता एग्जैक्टली, इवन तो जो लोग डिपार्टमेंट में हैं उनको भी पता नहीं होता है, ये जो गवर्निंग बॉडी है उसमें भी किसी एक इंडिविजुअल को पता नहीं होता है, क्योंकि वो जब मीटिंग होगी उसको लेके रेजोल्यूशंस आएंगे उस पर, फिर क्या करना है वोटिंग होगी, अब ये सब फॉर्मेलिटी ही होती है पर एटलीस्ट मीटिंग तो होगी, डिसीजन होगा उस पर, फिर उस पर जीआर बनेगा, पर एक जो जनरल सीन चल रहा है कि पॉलिटिकल इश्यूज के हिसाब से देखें तो पूरे देश में जो चल रहा है कि पार्टियां पहले जिस टेंडेंसी में थी कि भाई गवर्नमेंट वैकेंसी आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, पर चूंकि कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है कि बम्पर वैकेंसी निकाले हैं वोट के चक्कर में, तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे भी आएगी, कैंसिल तो नहीं होगी, पर अब कितना डिले होगा इस ये तो नहीं कह सकते। अब आपको क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि किसी का इंतजार नहीं करना भाई, किसी एक का इंतजार क्यों करना, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप होप सो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आपने भरा होगा पूरा, मतलब जान लगा दीजिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एग्जाम पे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप नॉन टेक तो आपको एआरटीओ के लिए भी पढ़ना है, अगर आप नॉन टेक पढ़ रहे थे तो अभी डेप्यूटी सेक्शन की आई है, अगर आपके अंदर एबिलिटी आपको लगता है कर सकते हो तो, क्योंकि कई सारे मैसेजेज ऐसे आते हैं कि अब उनके पास और नहीं बचा है, कि अब वो और टाइम डिले कर सकते हैं, तो जरूर आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए, आप किधर स्विच कर सकते हो, जो वैकेंसी आई है पढ़िए, नॉन टेक्निकल आपको इसके लिए भी पढ़ना है, अगर किसी नॉन टेक्निकल में जाते हैं अब नॉन टेक्निकल ठीक से प्रिपेयर करते हैं तो एआरटीओ में भी आपका फायदा करेगा, फिर आगे नर्मदा एई की आ रही है उसमें भी नॉन टेक्निकल है वहां पे भी फायदा करेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कर रहे हो तो उस पर टोटल फोकस करिए, अगर आप नहीं कर रहे हो बाई देव, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, और स्पेशली मेरा मैसेज है ऑटोमोबाइल वाले बच्चों को कि भाई एकदम से स्टिक मत रहो कि मैं यही पढ़ूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मैं कुछ भी पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना ही है भाई, मेहनत जो करेगा वो सीखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाइए कि मान लीजिए अभी ये एडवर्टाइज नहीं हो रही है तो हमको नॉन टेक्निकल पढ़ना है, किसी और एग्जाम में काम आएगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए पढ़िए। एएमबीआई की आएगी कि नहीं आएगी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उस पर भी क्या कह सकते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, पर इससे ज़्यादा एआरटीओ से ज़्यादा श्योरिटी है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी है, उसके रूल में चेंजेज नहीं करने हैं, उसके सिलेबस में चेंजेज नहीं करने हैं। इस वैकेंसी को काफ़ी डिले हो गया था, इसके रूल में तो चेंजेज करने ही करने थे, एक तो ये एग्जाम पैटर्न चेंज करना था इसका वो, और दूसरा इसके जो परसेंटेज वाला मैटर था उसको भी जीपीएससी ने कंसिडर किया था, तो वो तो ये 2-3 चेंजेस थे, मुझे लग रहा है हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो सकता है कुछ और भी हो, पर क्या है सियोरिटी से तो नहीं कह सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ था, आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि आप बताओ आपका क्या लगता है ओपिनियन, और स्पेशली हमें क्या करना चाहिए, तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई शुरू करो, जो जो वैकेंसी आई है जिसमें आप एलिजिबल हो, इवन दो के ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है, थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भरा है तो उसका पढ़ते रहिए पूरा, मतलब 8 से 10 घंटे 12 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो भाई,
और कुछ करना ही नहीं है, डिसाइड करो बस पढ़ना है। क्योंकि हर बार मैं कहता हूँ भाई ये बेरोजगारी का जो दर्द है ना, ये हम किसी से बांट भी नहीं सकते। एक बच्चे का मैसेज आया, सर घर पे नहीं बता सकता इसलिए आपको बता रहा हूं, मतलब बहुत पेनफुल मैसेज था, बहुत सारी चीजें उसने लिख रखी थी। अब ठीक है, हमारे इंड से क्या हो सकता, हम तो सांत्वना दे सकते, पर सांत्वना से पेन कम नहीं होता है, वो अलग बात है कि थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं कि भाई सबके साथ हो रहा है, केवल आप इंडिविजुअल नहीं हो, हम सबका अपना अपना कंस्ट्रेन है, सबका अपना अपना दर्द है। पर ठीक है, वो भी है कि बांटने से दर्द थोड़ा तो कम होता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है आदमी को, तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन है तो मैं तो कहता हूँ पढ़ाई के लिए मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो दिमाग में घूम रहा है कि यार बेरोजगार हूँ, घर वालों का प्रेशर है, फैमिली का, या घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, अपने आप में घुटन हो रही है, तो फिर मैं कहूँगा कि वो कर लो जिससे मेंटल स्टेबिलिटी है। अगर प्राइवेट जॉब करनी है तो वो कर लो, कोई दूसरे सरकारी नौकरी जिसमें आसानी से या फिर इससे कम मेहनत करके जॉब मिल सकती है, थोड़ा वो उस पर एफर्ट मार लो। तो जहां से आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, पहले मेंटल स्टेबिलिटी लाओ, एक बार दिमाग स्टेबल रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ठीक कर पाओगे आप, तो इसकी भी तैयारी कर लोगे जब आएगी। जब परेशान रहोगे 4 घंटे 8 घंटे पढ़ने बैठे, पर उसमें इफेक्टिव आवर आपके 2 घंटे 3 घंटे आ रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, घर की प्रॉब्लम चल रही थी, पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, तो पहले उसको आप टैकल कर लीजिए, फिर आप इधर आइए। बाकी अभी के लिए 2 महीने के लिए तो आपने, मुझे पता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भरा है, तो पूरा फुल फोकस करिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, जहां से भी मिल रहा है पढ़िए, खुद पढ़िए, कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा है, तो वहां पे जो जो कराया जा रहा है वो करिए, केवल उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। उसके अलावा टाइम बचता है तो ये नहीं कि भाई उन्होंने तो पढ़ा दिया है, अब टाइम बच गया तो थोड़ा रेस्ट कर, नहीं भाई, उसमें कुछ और पढ़ना है, एडिशनली ऐड करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, तो जितना ज्यादा मेहनत कर सकते करिए आप, होप्स हो कुछ पॉजिटिव होगा, और उम्मीद पे तो भाई उम्मीद ही है जिससे आदमी खुश रहता है, नहीं तो बाकी क्या ही है, फिर तो भाई हिमालय पर्वत में चले जाओ, आजकल तो वहां भी फ्लड आया हुआ, वहां भी नहीं जा सकते। खैर चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।